अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हरिद्वार में बेरोजगारी के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन का मोर्चा, राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। हरिद्वार में संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकाला और मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष राजवीर चौहान ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां श्रम विरोधी हैं, लेकिन हम कामगारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौहान ने मजदूरों के लिए 21,000 रुपए वेतन प्रारंभ करने एवं मजदूरों के आंदोलन में पुलिस और सरकार का हस्तक्षेप खत्म करने एवं श्रमिकों को समान काम समान वेतन दिए जाने की मांग की। राजवीर चौहान ने राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों का निवेदन स्थानीय जिलाधिकारी को सौंपते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। जैसा कि आज आपको भी विदित है और देश का हर आम जन जानता है, सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको लेकर हम सब आज आंदोलनरत है, जिसमें मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टरों का जो निजीकरण करने का सरकार का प्लान है और एक एक करके करना प्रारंभ कर दिया है, इसका हमारा जबरदस्त विरोध है। साथ ही श्रम कानूनों में जो परिवर्तन सरकार ला रही है, 44 श्रम कानूनों को ए स्थान पर 4 श्रम कानूनों में परिवर्तन करना चाह रही है, जिससे मजदूर एक बंधवा मजदूर हो जाएगा और कंपनी मालिक जो चाहे जिस तरह से चाहे जिस मजदूर को जिस दिन चाहे उस दिन निकाल कर बाहर खड़ा कर सकता है और किसी भी तरह के निर्णय वो ले सकता है। इसका हमारा कड़ा विरोध है और जब से कोरोना 19 का सामने आया है तब से बेरोजगारी इस तरह से बढ़ गई है, जो छोटे उद्योग हैं लगभग सब बंद होने के कगार पर है या उन्होंने अपने कर्मचारी आधे कर दिए या किसी भी तरह से उनका इनपुट ठीक नहीं है, मतलब काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसको लेकर हमारी सोच है कि मनरेगा के माध्यम से जो काम लोगों को दिया जा रहा है कम से कम 200 दिन साल में काम दिया जाए। इसके साथ साथ हमारा ट्रेड यूनियनों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें पूरी तरह से कंपनी मालिकों की जो हस्तक्षेप है वो पूर्णतः समाप्त किया जाए और 45 दिन के अंदर कोई भी कंपनी अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करा रही है, हमारे मजदूर ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की बाध्यता मालिकों की तरफ से नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस कंपनी मालिक पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस हमें हस्तक्षेप करके वहाँ से हटाने का प्रयास करती है। हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी इस बात को उठाना चाहते हैं कि वो हमारे कामों में, क्योंकि हम शालीनता से सारे आंदोलन करते हैं, शालीनता से सारे काम करते हैं, वो हमारे किसी भी काम में हस्तक्षेप ना करें और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए हमेशा लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। और ये चीज़ एक ही चीज़ नहीं है, तमाम चीज़ें रोजगार के मामले में आज ये स्थिति हो गई, खाली सिडकुल या छोटी कंपनियों की बात नहीं है, पब्लिक सेक्टरों में या केंद्रीय कर्मचारियों की जो वैकेंसीज हैं, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, उनको भी भरा जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, उस रोजगार की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह के अनेक इशू इस तरह के हैं जिन पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह से, इस तरह हमने समान काम के समान वेतन की भी बात यहाँ पर आती है, हम काम करते हैं, हमारा मजदूर तरह तरह के काम करता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे छोटी इंडस्ट्री का काम हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री का काम हो, चाहे BHL में ही हो, वो मशीनों पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हेल्परी का मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट का दिया जाता है, जबकि रेगुलर एम्प्लॉय को उसी काम का 2,000 रुपये दिया जाता है, उसे 300 रुपये दिया जाता है,
ये कहाँ का न्याय है? जो दिहाड़ी एक मिनिमम वेज रेगुलर कर्मचारी का है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी दिया जाए। तो इस तरह के तमाम इशू हैं, मेरे साथियों ने भी बताया, इन तमाम इशूओं को तैयार किया जो डीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को जाएगा। और ये कार्यक्रम आज हमारा खाली हरिद्वार का ही नहीं है, ये पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। पूरे देश में सभी ट्रेड यूनियन इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर सरकार अभी भी नहीं मानेगी, इस तरह आगे कोई सकारात्मक सोच नहीं दिखाएगी, तो हम इस आंदोलन को और बड़े रूप से लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी और इंडिया।